और यहाँ हमारे बीच में सभी जो हमारा ये हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट कैंपस का शिलान्यास हुआ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवी और सभी लोग, एक बहुत ही कठिन कार्य के लिए हमने कदम आगे बढ़ाया है कि हमारा ये इलाका सेब के लिए जाना जाता है। सेब के साथ साथ में और भी हमारी हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है, और ऐसी स्थिति में हमारे पास यहाँ पर फॉरेस्ट भी है और घना फॉरेस्ट है। इन दोनों चीजों के लिए कुछ हम नया हट करके क्या कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर के एक कंसेप्ट जो है तो डेवलप हुआ हमारे सामने, जो हम हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का एक कैंपस यहाँ पर, एक कॉलेज का यहाँ पर शुभारंभ कर सकते हैं और उस दिशा में हम आगे बढ़े। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज उस काम को, उस प्रोजेक्ट को हम जमीन पर उतारने की शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें वक्त लग गया क्योंकि फॉरेस्ट की क्लियरेंस एक बहुत बड़ी बाधा थी इसमें, और फॉरेस्ट की क्लियरेंस हमको सुप्रीम कोर्ट से लेनी पड़ी दिल्ली जाकर। लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित जब किया जाता है तो उसके लिए जब जुनून और जोश के साथ कोई सारी टीम लगती है तो उस लक्ष्य को हासिल करने में सफलता हासिल होती है। मैं समझता हूं कि उसी तरह का ये प्रोजेक्ट होगा। हमारे यहां पर सबसे बड़ी मुश्किल है कि जमीन मिलना। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना तो जमीन की कमी यहां पर है, और ले दे करके जमीन हमारे पास जो भी होती है वो सरकारी जमीन होती है, जो सरकारी जमीन होती है वो फॉरेस्ट की जमीन होती है, और फॉरेस्ट की जमीन के लिए क्लियरेंसेस के बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं। और ऐसी स्थिति में ये प्रोजेक्ट पे हमारा काफी विलंब हुआ। अगर वो फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस के इश्यूज नहीं होते, अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने का नहीं होता, देहरादून से ही उसका करने का हमारा ये बन जाता, तो शायद मुझे लगता कि आज तक कम से कम ऐसी स्थिति में होते तो कम से कम दो तीन भवन बन करके तैयार हो जाते। लेकिन इसमें वक्त लगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग बंद हो गई कोविड के कारण, और इसलिए फॉरेस्ट की क्लियरेंस हमारी डिले हुई। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि ये प्रोजेक्ट हमारा अब जमीन पर खड़ा होता हुआ आपको दिखेगा बहुत जल्दी। लगभग 240 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में पूरा होगा, और उसमें अभी जो हमने जो शुरुआत सोची है जिस बात को लेकर के हमारी बात आगे बढ़ी है, उसमें हम चार भवन जो है, दो हमारे हॉस्टल के हैं, दो ब्लॉक हॉस्टल के हैं, और उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और एक टीचिंग ब्लॉक है। ये चार ब्लॉक लगभग 54-55 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार होंगे, जिसका काम हम तुरंत जो है वो शुरू कर देंगे। और ये काम पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को दिया है, और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि अब ज्यादा लंबा ना करें, बहुत लेट हो गया। हम इस पर तुरंत इसकी जो है वो प्रक्रिया, खासतौर से इसके लिए जो शुरू करनी है टेंडर की प्रक्रिया शुरू करनी है, तो उस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। थोड़ा वर्किंग सीजन का हमारा यहाँ इशू है, इसको बंद कर, एक ही काफी चल रहा है क्या? हाँ, वर्किंग सीजन का हमारा यहाँ जो इशू रहता है वो हमारे लिए थोड़ा परेशानी रहती है, क्योंकि 3 महीने तो लगभग ऐसे हो जाते हैं हमारे यहाँ पर जहाँ हमको सर्दी के मौसम में काम करने में कठिनाई आती है। इसलिए नहीं चल रहा तो इसलिए जल्दी से इसकी टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाए, और उसके बाद मेरा तो इस बात के लिए आग्रह है कि इसी वर्किंग सीजन में हम जमीन पर जो है वो काम करना शुरू कर दें, ऐसा मेरा आग्रह है।
बाकी बातों को लेकर के कहने की आवश्यकता नहीं। और खास तौर से एक लंबे समय से एक बात रहती थी कि तुनाग में कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, और उस दृष्टि से बहुत लंबे समय से लोगों की मांग रहती थी। और इस बात को लेकर के हम कई बार विचार करते हुए, चिंतन करते हुए, मंथन करते हुए सोचते थे कि किया क्या जाए। तो एक चीज ये मुझे लगता है कि अब बेहतरीन यहां पर इस इलाके के लिए होगी। और हाइट के हिसाब से मैं समझता हूं कि ये बहुत एक अच्छी स्थिति का मतलब एक हमारा एक सामंजस्य बना है, तालमेल बना है, जहां इस हाइट में मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। और खास तौर से जहां सेब को आप बिल्कुल अपने आंगन में यहां पर देख सकते हैं और सेब को लगा सकते हैं, उसके लिए हम काम कर सकते हैं। और इसके साथ और भी जो हॉर्टिकल्चर के जो हमारी और एक्टिविटीज हैं और जिसमें हम बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए मुझे यही भरोसा है कि ये इंस्टीट्यूट वाले समय में निभाएगा। और मैं आज के इस अवसर पर बहुत लंबी बात न कहते हुए सबको बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। और ये इलाके कई बार इलाके की भाग्य की बातें होती हैं। और ये इलाका ऐसा इलाका था जहाँ हम घर से निकल गाय वगैरह हम चराने के लिए यहाँ आते थे, छोड़ते थे। ये इलाका था, वो इलाका गाय चराने के लिए रहेगा नहीं, ये एक बात होगी। अब कहीं और जगह ढूंढनी पड़ेगी, गाय अगर रखनी है तो उसको चराने के लिए अगर जंगल ले जाना होगा तो कहीं और जगह देखनी पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर इस इलाके के हमारा जातान जी का पूरा गांव है, ये सारा हमारा पंचतुंगा प्रदेश के लोग जो है बीच बीच में रिसर्च के लिए आते रहेंगे। और ये भी मैं समझता हूँ कि संभव है ये कि विदेश से भी लोग आ सकते हैं यहाँ पर देखने के लिए, यहाँ की रिसर्च को देखने के लिए। अगर बेहतर काम हुआ, कोशिश करेंगे इस इंस्टीट्यूट को हम और आगे बढ़ाएंगे कि ये इंस्टीट्यूट एक अच्छा एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट बनकर के जो है हमारे सामने बनकर के तैयार हो और हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे। इतनी ही बात कहता हूँ मैं। सभी बच्चों को भी शुभकामनाएं। बच्चे मैं देख रहा हूँ कि थोड़े डिसअपॉइंटेड रहते हैं, कुछ एक जो यहाँ होगी वो कहीं और होगी नहीं।